हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापत आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता था कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर अभी पढ़ रहे थे, तो उसमें आज एलसीएम के लिए मान के चलिए कि आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले दो वीडियोज़ में भी हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है, एलसीएम को एक देखने का नज़रिया हमने डेवलप किया है कि साला सवाल को लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर करेंगे। अब वो करने का जो तरकीब है आपने सीखा है। अगर चार चार ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में देते हैं ना मेरे भाई, तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी देखिए एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आ गया, अभी आगे यूपी पुलिस वगैरह भी आना है, एसएससी का एग्ज़ाम बाकी हो ही रहे हैं, एसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब फॉर्म आएगा, तो ये विज्ञापन आते रहेंगे। बाकी आप लोगों को क्या करना है, दम लगा के तैयारी करना है, विज्ञापन आने से पहले ही दम लगा के मेहनत कर लेना है कि बाकियों से आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखना नहीं कि आपका पड़ोसी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आपका दोस्त पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आपकी सहेली पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, आपको अपने पे फोकस करना है कि साला हमको सबसे आगे निकल के जाना है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, आप प्रैक्टिस करो ना यार, प्रैक्टिस करो, हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार बने रहो, फिर देखो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करोगे। आइए देखिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है और मैं बोलूँगा कि आप कापी कलम लेकर के बैठ करके इन सवालों को हल करेंगे। पहले अपने विधि से हल करेंगे और जो मैं अप्रोच बताऊँगा उस अप्रोच को सीखेंगे। सवाल ये अगर किसी को दे देंगे बाबू, तो ये हो सकता है कि उस टाइम पर समय ले ले, लेकिन आप दो चार सेकेंड में हल करके आगे जाएंगे। तो चीज़ों को समझना है, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको देखना है। आइए बाद में बात करेंगे, पहले सवाल ही हल करते हैं मेरे लाल। कहते हैं वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पे क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। कहने का मतलब मेरे लाल, अगर 12 से भाग दे रहे हैं आप तो 7 शेष बच रहा है, 15 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 10 बच रहा है, अगर 16 से भाग दे रहे हैं तो 11 शेष बच रहा है। ऐसे सवालों में बाबू एक बहुत बढ़िया लॉजिक होता है, देखा हाई जो संख्या से भाग देते रहो जो शेष देखा था एक अंतर हमेशा बराबर रहेगा, देखा है बराबर है। अगर बराबर ना रही तो तू तब तक ले घटाओ जीव जब तक ले बराबर ना आ जाओ। एक मन की ईंधन का अंतर क्या होता हो, 5 होता। तो बेसिक जब आदमी पढ़ावे ला तो ये कहे ला ना कि एक काम कर जला कि अगर इस संख्या से भाग देने पर इतना इतना क्रमशः शेष बचे, तो कुछ नहीं करते हैं, जो संख्याएँ दी गई हैं उनका क्या निकालते हैं मेरे लाल, उनका निकाल लेते हैं लॉस और ये जो डिफरेंस आया है इसको कर लेते हैं घटा देते हैं, तो घटा देते हैं तो आंसर मिल जाएगा। ऐसे सवालों को सीख लेते हैं। आइए आज हमारा मन कर रहा है कि हम बेसिक से ही इसको कर दें, नहीं तो ऐसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन वाला अप्रोच मैं बताऊंगा, वही मैं करता भी हूं। मैं पूरा सवाल को हल करता ही नहीं यार, मतलब जो भी सवाल है आपके बेसिक लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें सवाल को हम हल नहीं करते, हम देख करके भाई चीजों को एनालाइज करके आंसर कर सकते हो, तो इतने बेसिक बेसिक सवाल होते हैं। अब ये सवाल ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, कई बार हर बार एग्जाम्स में आते हैं। देखिए एलसीएम निकालिए, छोटी छोटी संख्या पूछा है तो एलसीएम ही चाहिए ना। वो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 16 से सबसे कटे, 2 से कटाएंगे मेरे लाल, 2 × 12 भाई 15 ना कटी तो उतर जाई, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, अरे 15 ना कटी के केहू नहीं के पूछत तो उतार दो, 2 × 4 = 8 हाई देखा है के केहू नहीं के पूछत उतार हेहू के केहू पूछे वाला नहीं के, 2 × 2 = 4 हाई देखा ए लाल हाई 2 × 2 = 2, अब 2 से कौनो नहीं के कटे वाला, तब 2 के छोड़ के अब हेकरा दुआरी गई लगे पूछते नहीं के, तब 3 × 2 = 2 आवा हेकरा से देखा एक घर के पूछा था कि ना 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15 हाँ ऐजा पूछा ले बड़न सा, अब 3 है जा हिना लोग पूछते नहीं के, अब देखेंगे 4 से भी कोई नहीं पूछ रहा है कट रहा है तो 5 से कटाएंगे बाबू, 5 × 5 = 5, जब 1 1 हो गया तो एलसीएम निकल जाएगा, 2 × 2 = 2 और 3 × 5 हो गए ले संगे, अब गुणा करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48 और 48 × 5 कितना हो जाएगा गुणा कर लेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 2 = 20, 4 × 24 = 2, 240। आप कहेंगे गुरुदेव 240 वो संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 16 से पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित होगी, लेकिन तू का पढ़ला हो कि 12 से भाग दिया पर 7 शेष बचे के चाहिए, विभाजित ना होके के चाहिए, 15 से भाग दिया पर 10 शेष बचे के चाहिए और 16 से भाग दिया पर 11 शेष बचे के चाहिए, तो बाबू जो शेषवा जो संख्या में डिफरेंस लेनी तो कुलनी के बराबर आई ल, आ जब बराबर आवेला तो वे डिफरेंस घटा दिया जला तो बोला ना 235 हो गई, अब भाग देव तो इतना इतना शेष बचे और रियल में यह आंसर हुई। तो हाई प्रोसेस के सीख लो ये बेसिक वाला, तू कब गुरुदेव इतना टाइम ले, लोग करते हैं अभी भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, बताओ ऐसे सिलेक्शन मिलेगा यार, बताओ यार। जब चार चार ऑप्शन आपके पास नज़र के सामने है
तो क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू जाओ ना यार। कहने का मतलब क्या है, इसका एलसीएम आप तो सोच सकते हो, जितना तेज एलसीएम सोचोगे उतना ही तेज आंसर मिलने वाला है। इस इतना इतना शेष बच रहा है, डिफरेंस 5 आ रहा है, 5 घटाना पड़ रहा है, आप ये सोचो कि घटा करके आंसर देगा, मतलब एलसीएम इसका निकालेंगे फिर घटा करके आंसर देंगे, तो घटा करके आंसर दिया होगा तो इसमें 5 जोड़ लो सब में 120, इसमें 5 जोड़ लो 240, इसमें 5 जोड़ लेंगे तो मेरे लाल हो जाएगा 7 × 5 = 12, 252, इसमें 5 जोड़ लेंगे 480। अब चेक कर लेते हैं बाबू इसका इसका एलसीएम क्या होता है, तो 240 होगा, आंसर कर देंगे। तो ये सोच नहीं सकते थे कि इसका एलसीएम क्या होगा, हम तो सोच करके बता सकते थे कैसे। रुको एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मिटकाता हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, ये प्रोसेस याद रखेंगे, एक और सवाल इस पे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अप्रोच बता रहा हूं कि क्या क्या अलग अलग अप्रोच हो सकता है। मैंने बोला ना कि इसका इसका इतना इतना आ रहा है, डिफरेंस चेक करो बराबर आएगा, तो इसमें से एलसीएम में से घटाना होता है, तो ये घटा करके दिया होगा, कोई ऑप्शन वही होगा जो घटा करके एलसीएम निकाला होगा, घटा कर दिया होगा, तो सब में 5 जोड़ लेते हैं, और सब में 5 जोड़ देंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर एलसीएम पे पहुँच जाएंगे, तो इसका इसका एलसीएम क्या होगा, 12, 15, 16। आप चेक कर लो ना यार, ये 16 पकड़ लेंगे, फिर इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें 5, 3 और 5 दिख रहा है, इसमें 3 और 4 दिख रहा है, तो देखो 16 में ऑलरेडी 4 है, तो 4 नहीं लेंगे हम लोग। ये वो लड़के कर पाएंगे जिनका दिमाग विकसित हो चुका है, कहने का मतलब ये है, इसमें 5 अभी एक बार भी नहीं लिए, 5 ले लेंगे, 3 इधर भी है इधर भी है, तो कोई एक ही बार लेंगे, अब गुणा कर दो 16 × 5 = 80, 80 × 3 = कितना हो गया 240, यहाँ से भी कर सकते हैं, 240 इसका आंसर हो रहा है, समझ रहे हो। तो सवाल लगेंगे, ये वाला बेस्ट वाला सवाल था, इसको बढ़िया से वही लिख लो नोट्स में, काम करेगा, पूछेगा पेपर में, देख लेना। चलिए आइए और सवाल लेते हैं, चलेंगे दोस्त। अब देखा जाए अगला सवाल भैया, सवाल अगला क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसे क्या करते हैं भैया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्रमशः 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। ये सुपर डुपर सवाल है, देखो ये सवाल पेपर में पूछ ले बड़ा सर, आप बार बार पूछे ना दोस्त, अभी के तुम लोग लगाओ जाए खाली चेक करो जाए, फिर कैसे हुई, तू कहो कि गुरुदेव खाली रुके ना चेक कर लेते हैं, इससे 100 बराबर होता, हमेशा बराबर आएगा, नहीं आएगा तो आप घटा करके तब तक घटाएंगे जब तक कि बराबर ना आने लगे। तो 15 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है, 25 से भाग देने पर 17 शेष बच रहा है, 35 से भाग देने पर 27 शेष बच रहा है, 45 से भाग देने पर 37 शेष बच रहा है, कहने का मतलब क्या है, सबका अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 8 आ रहा है ना जी, तो यही क्या करना है, इनका निकालना है एलसीएम, और फिर क्या कर देना है, उसमें से घटा देना है 8, तो इसका निकालेंगे एलसीएम, इसमें से क्या घटा देंगे, 8 घटा देंगे, इसका मतलब कि इसमें से हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा। अब देखो पूरा हल करने हम नहीं जाऊंगा, अब देखो अब डायरेक्ट आंसर ठोकूंगा ऑप्शन से ही, तो क्योंकि जब 4 ऑप्शन देते हैं तो हल करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक बता देनी ना यार, ओके तू ऊपर करो बैठ के सुना, कहो था 15, 25, 35 से 45 से भाग देने पर, अब कहने का मतलब कि हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल करके ये हम घटाते, पहले वाले में बताया, इसका मतलब कि वही ऑप्शन होगा जो इसका एलसीएम निकाल करके इतना घटाने पर दिया होगा। तो एक काम कर लेते हैं, सब में हम क्या कर लेते हैं, 8 जोड़ देते हैं, क्योंकि 8 घटा के लिखा होगा एलसीएम का, 8 हम जोड़ देते हैं इसमें मेरे लाल, 8 जोड़ देंगे और फिर एलसीएम निकाल के चेक कर लेंगे। आप कहेंगे गुरुदेव इतना क्यों, विभाजिता से जाएंगे ना, देखो 8 × 5 = 13 है, 7 हो गई ना, 7 × 8 हो गई 1583, 8 × 7 = 15, 75, अरे पागला 8 × 6 = 14, 1500 अपना घर से नहीं सवाल ले ले बाबू, ये है सवाल तो हर 50 नंबर का सवाल है, आर एस अग्रवाल की किताब का जाके चेक कर लियो, एक अवकात बा कुछ कहो था कि 8 जोड़ने तो इक्का हो जाए, लॉस हो जाए, कर यही बताओ जर लास्ट में 15, 25 और 35 रहेला, 45 रहेला, उस संख्या 5 से कटेले, आ 5 से वह संख्या कटेले लाल जरा लास्ट में का आवेला, या तो 0 आवेला या तो 5 आवेला, एक लास्ट में 3 आता, ये एक लॉस हो सकेला, ओ लाल अरे कैसे हो सकेला महाराज, हाई हो सकेला, आई हो सकेला, ये ना आंसर हुई, देख लो कितना सिंपल भाई यार, लॉजिक पकड़ो, लॉजिक से जा सवाल बने लगी, तू कहो कि ना महादेव गुरुदेव हम बेसिक से करब, तो कहो कि ये लाल बाबू भैया हेकर निकली है लस, फिर ओमा से 8 घटा दी है, वह उत्तर हो जाए, तो ये उत्तर निकल के आई, कोनो दिक्कत नहीं के तू कह सकेल, अभी फिलहाल का तो हम का बतैनी है कि 8 घटाइए के नहीं लिखल बटे हो, एलसीएम निकाल के 8 घटाइए के लिखल बा ऑप्शन, वह आंसर हुई जो 8 घटा के लिखल हुई, तो हम 8 जोड़ दिए नहीं, आ जोड़ दिए नहीं तो चेक करते नहीं कौन हेकर एलसीएम हो सकेला, हेकर एलसीएम तो मतलब इन्हें से कटे के चाहिए, आ नहीं खे कटा तो कैसे हुई भाई, जब 5 से ना कटे तो इन्हें से कैसे कटे। चलो अब और ही सवाल ले लो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भैया, चलिए भैया अब देखा जाए, दो सवाल बता देनी और वो टाइप का सवाल तो होके आए के चाहिए, जितना भी भाई बहन लोग देखते रह जा ओके बढ़िया से सीख लो जा, अच्छा से प्रैक्टिस करो जा, एग्जाम में आर एस अग्रवाल के कुल सवाल बारे ले बनी
पहले अपना नोट से बताओ तो नहीं, आज आर एस अग्रवाल से बताओ तो नहीं, महत्वपूर्ण सवाल एक सीखे का और जाने के। तो कहा था कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, तो पहले तो चेक कर कौन कौन पूर्ण वर्ग बाटे, चारों ऑप्शनों में पूर्ण वर्ग लोग देखा एक एक से पॉइंट से हमने के आंसर तक ले पहुंचल जा सकेला, ठीक ना। पूरा हल करने का जरूरत है ना कि यार एग्जामिनर चाहे ना करे कि तू पूरा हल कर भाई, कहीं चाहेगा वो, तुमको 60 मिनट टाइम दे रहा है, 100 क्वेश्चन दे रहा है, 90 मिनट टाइम में 100 क्वेश्चन दे रहा है, तो फिर जब मेरे भाई इतना कम समय वो दे रहा है तो वो पागल है, पागल लोग वहाँ पे तो नहीं बैठे हैं ना। वो भी टेक्निक्स के थ्रू क्वेश्चंस देते हैं कि आपका टेक्निक अगर सही रहेगा तो सवाल को 2-5 सेकंड में हल कर लेंगे। अब देखिएगा अप्रोच सही रहेगा तो पूर्ण वर्ग तथा 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में पूर्णतः विभक्त हो, भाई कुल्हनी से कटे के चाहिए वो ऑप्शन ढूंढे के बाद। अब 3 लोग कहता था 3 का विभाज्यता लगा दो तुरंत, भाई विभाज्यता लगाएंगे ना, चेक करेंगे ना, सबसे कटना चाहिए, 3 से भी चेक कर लेते हैं, अब जिससे मन करे उससे चेक करना। 3 की विभाज्यता क्या होती है कि वो संख्या 3 से हमेशा विभाजित होगी बाबू जिसके अंकों का योग क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा, वो संख्या 3 से कटेगी देखो भाई, 9 होता ही कट सकेला, आंसर हो सकेला, 6 एक साथ ये कबो ना हो सकेला, 3, 6, 9 बोलबे कहीं अंकों का योग, 5, 2, 7 कबो ना हो सकेला, 6, 3, 9 हो सकेला, मैंने 2 गो ऑप्शन हो सकेला, मैंने 3 का विभाजिता लगाई नहीं है तो बाबू 2 गो ऑप्शन कट गया हो, जब ये 3 से ना कटी तो बाकी से चेक काहे के खाते कर बाबू, तो कहो था कुल्हनी से कटे के चाहिए, तो 3 से तो ये फेल मार जाता, एजे फॉल्ट मार जाता, तो ये दोनों आंसर ना हुई है, 2 गो हो सकता था 3 के हिसाब से, लेकिन अभी भी कोनो एक ही आंसर हुई, कहीं से एगो तो एगो बहुरूपिया बाजो ना भी अपना रूप छिपावता संगे संगे हमारी चलता, लेकिन वह के बहुत जल्दी अपना तर्कस के तीर से भेदे वाला बनी पता करब कि कौन असली आंसर हुई। अब देखो ऐसा कौन विभाजिता लगा 8 का, कौन जौने मन के आता तो तौने तू पकड़ा ऐसा पकड़ो कि जौने के आंसर देके जाओ। 8 की विभाजिता का कहला है संगी, 8 की विभाजिता ये कहला तो के बार बार हम बताओ तो नंबर सिस्टम जाके पढ़ ला यार, पढ़ ला भाई, तो से कितना कहीं हम बात समझत ना हो जाए पॉइंट। अंतिम 3 अंक देखल जाला, अगर देखा है जा सम संख्या रही, अंतिम 3 अंक में अगर तीसरा सम संख्या बाटे तो खाली 2 अंक में भाग दिया जाला, अगर 2 अंक कट गई तो संख्या कटी, 2 अंक ना कटल तो संख्या ना कटी, है ना। देखो हई हेमा अगर विषम अगर हो जाता, अगर अंतिम 3 अंक में से अगर तीसरा विषम हो जाता तो अंतिम 2 अंक में भाग दिया जाला, लेकिन 4 जोड़ के भाग दिया जाला, अगर 4 जोड़ के भाग देता रहा, अगर विषम बा 4 जोड़ के भाग देता रहा, अगर कट गई तो संख्या कटी, ना कटल तो संख्या ना कटी। अब वही मैंने बताओ, अब ऐसे विभाजिता लगाओ भाई, अंतिम 3 अंक ले रहे हैं, 3 अंक ऑलरेडी है तो विषम है, तो इसमें 4 जोड़ के अगर भाग देंगे 2 अंक में तो ये बताओ 4 में 8 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब 8 से ये विभाजित होकर भी नहीं करेगा, 908 से कटता ही नहीं है, 8 की विभाजिता से चेक कर लिए। जब 3 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा मेरे लाल, चौथा होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको ये विभाजिता पता होता तो टाइम लगता है यार, बताओ ना मेरे भाई, 3 की विभाजिता हई 2 को आंसर ना हुई, 8 की विभाजिता हई ना हुई, हई हुई, बस इतने टाइम लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5 सेकंड, जितना तक मैं आदमी का एगो पलक झपकी तब तक ले तू आंसर दे ले। अब और ही सवाल लिया सही, अब चलिए चलिए भैया, अब बाबू देखा जाओ अगला सवाल ले लें, एसएससी में पूछ लूँ भाई सवाल, आई 52 नंबर के सवाल हो, जाके नंबर सिस्टम देख लिया, अरे नंबर सिस्टम बोला तो नहीं, एलसीएम एसएससी देख लिया जा, आर एस अग्रवाल से। अभी सवाल का औकात बताओ जा, 2 दिन से बताओ तो नहीं यार, कहो तो नहीं कि एलसीएम एसएससी एलसीएम का सवाल तू देख के आज से आंसर करब, कहा कलम नहीं चलाना है मेरे भाई, कलम नहीं चलाना है, केवल दिमाग चलाना है, आंसर करना है। ये देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, जो 12, 15, 18, 27 से क्या हो, पूरी तरीके से विभक्त, पूरी तरीके से विभक्त हो, कहने का मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल करके चेक सब बनाना है चीज़ें, विभाजिता चेक कर लेंगे आंसर। बोल रहा है कि 12, 15, 18 जहाँ 18 मिला तुरंत पकड़ लेनी, विभाजिता कहाँ मिला था, 9 और 2 मिला था, जौन संख्या 18 से कटी वो 9 से कटे के चाहिए, विभाजिता चेक करो, यही ऑप्शन सेम दिया है, जा करके 52 नंबर का सवाल जा करके चेक कर लेना, कौन सी किताब, आर एस अग्रवाल का किताब, जाके चेक करना, ये सवाल मिल जाएगा। अब देखिए ये 12 से भी कटना चाहिए, 15 से भी, 18 से भी, 27 से, कितना सेकंड लगेगा यार, मात्र 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो। 9 की विभाजिता लगाएंगे, 9 की विभाजिता क्या कहता है कि जहां जहां 9 मिल रहा है उसको हटा दो, और उसके अंकों का योग क्या मिलना चाहिए, 9 ही मिलना चाहिए, देखो ये 9 हट गया, इसके अंकों का योग क्या मिल रहा है, 6 0 जोड़ेंगे तो 6, कभी आंसर नहीं होगा, ये चेक करते हैं मेरे लाल, 9 हट गया, 3 0 जोड़ेंगे, 3, कभी आंसर नहीं हो सकता, ये 9 हट गया, 6 बच रहा है, कभी आंसर नहीं हो सकता, बोलो 9 हटा 7 2 9 हटा, देखिए इसके अंकों का योग 9 अथवा 0 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा, मैंने जो सबको जोड़ने पे 9 दे दे वही आपका आंसर होता है, कितना टाइम लगाया, जब ये 9 से नहीं कट रहा है तो 18 से कटेगा क्या, नहीं कट रहे हैं यार, आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि वो बोला है अगर 18 से नहीं कट रहा है तो बाकी से चेक करने नहीं जाएंगे ना मेरे भाई, इसलिए नहीं जाएंगे कि बाउंडेशन लगाया कि सबसे कटना चाहिए, 12
14 से भी, 15 से भी, 18 से भी, 27 से भी वही आंसर होगा। अब वो इकलौता आंसर ये हो सकता है, अगर तीन आंसर नहीं हो सकता है तो ये तो होगा ही होगा। अब बाबू याद रख लेना, कभी भी आंसर देखे ना आप लोग, ऑप्शन देख रहे हैं तो सही आंसर को नहीं ढूंढना है, सही चीज को खोजने में टाइम लगता है। जो गलत चीजें हैं ना उसको हटाते चलो, गलत वाली चीजों को हटाओगे सही वाली चीज अपने आप छन के मिल जाएगी आपको। चलिए और सारे सवाल लेते हैं, सीखते हैं यार, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। चलिए चलिए भैया, अभी ये भी देखिए एक बढ़िया सा सवाल है, ये नंबर है नंबर 39 नंबर का सवाल है, आर्य अग्रवाल जाके चेक करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 जोड़ने से क्या होता है मेरे लाल, प्राप्त संख्या 9 जोड़ला पे का होगा कि चाहिए हो, 9 जोड़ला पे हेकरा से पूरी तरीके से का हुई कटी, उस संख्या ज्ञात करे के बाद जो हमें 9 जोड़ दिया पे हिननी से कटे लगे, हिननी से कटला का मतलब का हिननी का लसा निकल जाओ, ये कहूँ कि 9 जोड़ दिया पे कुलानी में अगर 9 जोड़ देता नहीं है लाल, 9 जोड़ दिया पर का आवे के चाहिए हो, 9 जोड़ दिया पे ये केकरा से कटे लगे हिननी से कटे लगे, तो 9 जोड़ दो का दिक्कत बा यार, 9 जोड़ो 9 2 11 आई कितना हो गए संगे हई 471 हेमा 9 जोड़ देबा संगे तो 9 5 14 आई 6 हो गए 864, 9 जोड़ दिया संगे तो 880 हो गए, हइए ना कुल निकल के आ गए हो, हाउ तो नन ऑफ दिस बटला ही बटे। और का कहता 9 जोड़ला पे हइए मिलता आ उहे संख्या चाहिए जो 24 32 36 54 से कटे देखा 36 आ 54 में 9 आवत कि ना, 9 राजा किंग वही का फिर विभाजिता वही लगाइए। हम अपने कहाँ घर से बता रहे हैं, 39 नंबर का सवाल ले जाके आ रहे अग्रवाल चेक कर लेना, नहीं मिले तो फिर मेरे को मैसेज करना, बता वही सवाल वही किताब लेकिन हल करने का नजरिया चेंज हो गया। आप कैसे करते थे हम आज आपको कैसे सिखा रहे हैं, सवाल कुछ नहीं है आपको बता रहे हैं, मैथमेटिक्स आराम से आप स्कोर कर सकते हैं बढ़िया मार्क्स, और ये जब स्कोर करने लगते हैं ना आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है साला, क्योंकि पता रहता है ना जितना मैथ सवाल करके आते हैं आपको एग्जाम में पता रहता है कि हम जितना किए हैं सही किए, गलत तो आप करेंगे नहीं, तुक्का गलत लगाएंगे नहीं, मूर्ख लोग लगाएंगे तुक्का ना, मैथ में तुक्का थोड़े लगता है यार, मैथ में तो भाई टेक्निक होता है, सोच समझ के ऑप्शन के थ्रू आप हल करते हो अलग बात है। आइए देखिए इसमें 9 और 4 मिल रहा है, 9 की विभाजिता लगाइए, जो 9 से कटेगा वही 36 से भी कटेगा, चेक कर लेते हैं 8 8 16 कभी 9 से नहीं कटेगा, अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से कटना चाहिए, 4 7 11 आ 1 12 9 से नहीं कटेगा, आई 6 4 10 8 18 9 से कटेगा, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो ऐसे ही करना है। एक और सवाल लेते हैं आज के लिए, वो लास्ट सवाल रहेगा, ये देखिए चलो चलो भैया आइए, अब एक और सवाल अंतिम सवाल आज के लिए लेते हैं एलसीएम का, और कल से HCF पढ़ाएंगे बाबू, ये सवाल आप लोगों के लिए है, कैसे करेंगे बताइए। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पे एक शेष बचे, तो इसमें भाग देने पे एक शेष बचेगा यार, मतलब इसमें से अगर वही आंसर चार ऑप्शन में से तो एक ही आंसर होगा, तो 8 9 12 15 से भाग देने पे एक शेष बचेगा, तो हमको तो नहीं पता कौन सा आंसर होगा ऑप्शन, मेरे को ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं, एक शेष बच रहा है तो एक को घटा देते हैं, अगर एक को हम निकाल देंगे मेरे लाल, एक शेष जो बच रहा है उसको अगर हम हटा देंगे, एक शेष जो बच रहा है अगर उसको हम हटा देंगे मेरे लाल, एक शेष जो बच रहा है हटा देंगे तो हमारा वही आंसर होगा जो इन सबसे कटेगा, सिंपल सी बात है, शेष को निकाल दिए तो अब जो संख्या बची वो तो कटने वाली होनी चाहिए ना, अब मेरे को बताओ ना मेरे लाल, यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 की विभाजिता क्या होता है, अंकों का योग 9 मिलना चाहिए, ये देखिए 8 7 15 1 16 9 मिल रहा है क्या, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, एक बोल रहा था शेष के लिए तो एक घटा देते हैं, अब शेष नहीं मिलेगा, अब कटने वाली संख्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये देखो पहली बात कि जो संख्या 15 से कटती है वो 5 से भी कटती है, जो संख्या 15 से कटेगी वो 5 से कटेगी, और सीधी सी बात है 5 से कटने के लिए क्या आना चाहिए, 0 5 लास्ट में आना चाहिए, नहीं होगा, ये दो दिख रहे हैं आप कहेंगे सर कौन सा आंसर होगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे 8 की विभाजिता लगा के चेक करो, 8 की विभाजिता लगा के चेक करेंगे तो ये क्या होता है, अगर ये विषम संख्या है, तीसरा अंक विषम संख्या है तो अंतिम दो अंक ही चेक करते हैं, लेकिन 4 जोड़ के 84, क्या 8 से कट रहा है 84, नहीं होगा, कहने का मतलब यही आंसर होगा, विभाजिता अगर आपका कमांड है वो साला देख देख के आंसर आप कर सकते हो, ठीक है, अब कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट वगैरह करा करो, थोड़ा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है उन सारी चीज़ों से, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, अगर सब्सक्राइब नहीं करें हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे अपने दोस्तों को बताओ भी कि ऐसे भी सवाल लग सकते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखो, आज जब सीखने लगेंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कल से मिलेंगे HCF के साथ, चलिए।